हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इनेबल OTG इन वीवो i16। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वीवो के इस डिवाइस में आप कैसे OTG कनेक्ट कर पाएंगे, OTG इनेबल कैसे कर पाएंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना है, और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर। इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है अबाउट फोन पर। अबाउट फोन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर बिल्ड नंबर पे जाना है। इस तरीके से आपको कई बार टैप कर देने हैं। ओके, तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर OEM अनलॉकिंग, तो इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ से पैटर्न डाल देना है, ये इनेबल हो चुका है। अब यहाँ से आपको और नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है USB डबिंग। ओके, तो यहाँ पर इसे ऑन करना है और ओके कर देना है। ओके कर देना, ओके क्लिक कर देना। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आपको और नीचे जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है डिफ़ॉल्ट USB, और इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आप यहाँ पर कोई भी OTG कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगी। कोई भी डाटा ट्रांसफ़र आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, किसी में भी। ओके, सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।